everyone and welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसे रिकी हीलिंग ग्रैंड मास्टर हूँ. सो आज मैं आपके लिए एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ और इस जनरल रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आज का आपका दिन कैसे जाने वाला है. ठीक है, अगर आप मेरे पास से एंजल कार्ड रीडिंग बुकिंग करना चाहते हैं या मेरे पास से पर्सनल सेशंस लेने चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9167917644 पर. और अगर आपको मेरे पास से कोर्सेज सीखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. प्ले स्टोर पर अवेलेबल है हमारी हीलिंग कोर्सेज, जहाँ पर आप अपने लिए हीलिंग को सीख सकते हैं, हीलिंग मोडालिटी को सीख सकते हैं और खुद के साथ अपने लव्ड वंस की भी हीलिंग लगा सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला मैं आज का आपका रीडिंग देखने वाली हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. आज का दिन कैसे जाने वाला है और आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. आज का दिन कैसा जाएगा आपका और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच. ओके ओके. सो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं आज के दिन में आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर. आपके मन में जो सबसे ज़्यादा विचार वगैरह चल रहे हैं, टेंशन्स चल रहा है, बहुत सारे स्ट्रेस आप ले रहे हैं, उससे आपको ट्रस्ट रखना है. ठीक है, आपको शांत रहना है और अपने इनर सेल्फ के ऊपर भरोसा रखना है. और अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर आपको आपके अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है. आपको देखना है कि किस तरीके से सारे चीज़ें शांति से सॉल्व हो सकती हैं. और आपको ये भी देखना है कि आपको ट्रस्ट अपने ऊपर रखना है, अपने एंजल्स के ऊपर रखना है, वो आपके साथ हैं इस समय. और कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए बोला जा रहा है कि आप नेगेटिव थॉट्स मत रखिए अपने माइंड में, आप कोई भी शंका मत रखिए, लेकिन आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए. ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपको एंजल्स और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके अभी करंट चीज़ों के लिए. सो यहाँ से मैं लेने वाली हूँ. यस, यहाँ पर है टू ऑफ कप्स. टू ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है. ये आपके लव से रिलेटेड आपको मैसेजेस दे रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है, आज का दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं. आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स होने वाले हैं, हार्मनी होने वाली है. और आपके इस टाइम पर जो भी आपका पार्टनर के साथ आपका जो मतभेद चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, वो ठीक होने की संभावना है, वो ठीक होने वाला है. दोनों अपने रिलेशनशिप पर फोकस करेंगे और दोनों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा. ये बहुत ही अच्छा कार्ड है. ठीक है, तो आप इसको एज अ गाइडेंस ले सकते हैं कि अगर आपके सिचुएशन में कुछ, जैसे कि यहाँ पर भी देखिए कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अपने ऊपर रखना है, पीसफुल रिजोल्यूशन से, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं ये कार्ड इससे मेल खाती है या मैच खाती है. ठीक है, नाउ आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं वो आपको बता देती हूँ. लर्निंग एक्सपीरियंस. ओके, सो यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी जो आपके लाइफ में करंट फेज चल रहा है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपको उससे सीखना चाहिए, उससे आपको एक्सपीरियंस लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या ये चीज़ दोबारा ना हो. जब तक आप अपने लाइफ में कोई लेसन नहीं लेंगे, एंजल सेम चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीखें. ठीक है, तो इसीलिए ये आपको एक लेसन है जिसके लिए ये चीज़ें आपके साथ हो रही है. ओके, सो देखते हैं आपके यूनिकॉर्न गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके ओके, एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब है इस समय. ओके, तो यहाँ पर है
लुक फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड एक्सेप्ट जॉय. नाउ यहाँ पर आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है कि आप खुश रहिए, आपको हैप्पीनेस को जो है आप खुद ही अपने आप को खुश कर सकते हैं, या आप खुद जो है अपने जो करंट सिचुएशन है उसको आप खुद ही चेंज कर सकते हैं. तो आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है. जैसे जैसे आपकी खुद की वाइब्रेशन हाई पर जाएंगी, जैसे आप खुद हैप्पी रहेंगे वैसे ही सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट करेंगे. अगर आप सेल्फ लव की कमी को महसूस कर रहे हैं तो सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो ये आज की रीडिंग है. ज़रूर बताइएगा आपकी आपको रीडिंग कैसी लगी है. एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू.